जाता है, प्री बॉडी डायग्राम्स में हल्का सा फर्क दिखाई देने लगता है और इक्वेशन में हल्का सा फर्क दिखाई देने लगता है, मगर अल्टीमेटली सॉल्व होके जो रिजल्ट आता है वो हमेशा सेम होता है। रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में कभी कोई फर्क नहीं होता। देखिए एक प्रॉब्लम हम इसी समय करते हैं। दिस इज अ सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंड्रिकल रूम, यू कैन से इट्स अ लार्ज रूम, अ सिलेंड्रिकल रूम। It's rotating with angular velocity omega. ये एक cylindrical room है और ये पूरा का पूरा cylinder जो hollow है अंदर से, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इधर यह एक ब्लॉक है जो इसके साथ में, सिलेंडर के साथ में घूम रहा है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन coefficient of friction is mu. इस ब्लॉक का, इस सिलेंड्रिकल वॉल के साथ में जो coefficient of friction है वह mu है। यह ब्लॉक गिर भी सकता है, ग्रेविटी की वजह से यह ब्लॉक नीचे गिर भी सकता है, मगर यह ब्लॉक गिरता नहीं है। नाउ यू नीड टू टेल मी मिनिमम ओमेगा, मिनिमम ओमेगा so that the block does not fall. Minimum omega क्या होना चाहिए जिससे कि यह block बिल्कुल भी गिरे नहीं? The radius is r. The radius is r. सिलेंडर का रेडियस आर। मैं प्रॉब्लम को एक और बार समझा देता हूं। इट्स अ हॉलो सिलेंडर एंड इट्स अ हॉलो सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ आर। रेडियस आर एंड rotating about its axis. अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तेजी से घूम रहा है। इस हॉलो सिलेंडर में इधर एक ब्लॉक रखा हुआ जो दीवार से चिपका हुआ है और दीवार से चिपक के सिलेंडर के साथ साथ में घूम रहा है, दीवार से चुपके हुए सिलेंडर के साथ साथ में घूम रहा है। अब खास बात, दिस ब्लॉक इज फ्री टू फॉल, ये ब्लॉक गिर सकता है, इट्स फ्री टू फॉल। येट मैं चाहता हूं कि ये गिरे नहीं। इस सिचुएशन के लिए व्हाट मिनिमम ओमेगा, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोटेटिंग सिलेंडर,
सो दैट द ब्लॉक डज नॉट फॉल. यदि मैं चाहता हूं कि यह ब्लॉक नहीं गिरे तो मुझे ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या रखनी चाहिए? क्या आप इसी समय सोच समझ कर यह बात बता सकते हैं? मैं इस प्रॉब्लम को समझाऊंगा और इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं दोनों ही रेफरेंस फ्रेम में काम करके दिखाऊंगा. मैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी इस प्रॉब्लम को हल करके दिखाऊंगा और मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा. और अल्टीमेटली मैं यह कंक्लूड करूंगा कि सोचने के तरीके में थोड़ा सा फर्क जरूर आ जाता है, मगर फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर दोनों ही रेफरेंस फ्रेम में सेम रहता है. मैं 3 से 4 मिनट पहले आपको सोचने के लिए समय देता हूं कि आप इस प्रॉब्लम में किस तरह से दिमाग लगाएंगे. 3 से 4 मिनट के बाद समझाना चालू करूंगा. चलिए मैं इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने का तरीका समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना. इनफैक्ट प्रॉब्लम को कैसे प्रेजेंट करा जाता है, किस तरह से सॉल्यूशन लिखा जाता है, इस बात को भी आप बड़े ध्यान से देखेंगे. मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब कोई पर्सन जो बिल्कुल स्टेशनरी है, जो बिल्कुल बाहर खड़ा है और बाहर खड़े होकर इस ब्लॉक को देखता है. इस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में यह जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी फोर्स लगना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी लगना चाहिए और इस एमजी की वजह से यह नीचे गिर सकता है. इस एमजी की वजह से यह नीचे गिर सकता है, मगर इसको गिरने से कौन बचा रहा है, कौन इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है? जब ये नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहता है, गिरना चाहता है, तो डेफिनेटली ये जो सिलेंडर है इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर मिल रहा होगा और इसी के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यह नीचे नहीं गिर पा रहा. अब इसके अलावा जब यह ब्लॉक सिलेंडर के साथ साथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, सिलेंडर के साथ साथ घूम रहा है यह, तो सिलेंडर के साथ साथ घूमने की वजह से इसका रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा होगा, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन हो रहा होगा. और रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में यह जो एक्सीलरेशन हो रहा है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन दे रहा है? कौन सा ऐसा फोर्स है जो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है? ये जो सिलेंडर है, घूमता हुआ सिलेंडर, यह ब्लॉक को नॉर्मल डायरेक्शन में प्रेस कर रहा होगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा. यह नॉर्मल रिएक्शन, दिस वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. मैं कहता हूं हियर नॉर्मल रिएक्शन एन प्रोवाइड्स द नेसेसरी
centripetal force. And this radial acceleration is omega square r. मैं radial acceleration को omega square r क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे minimum omega बताना है. Since I need to work for minimum omega, hence let's write all the quantities in terms of omega. यदि हमें linear speed बताना होता तो हम v square by r लिखते. जनरली वी ओमेगा हम बहुत ही कम लिखते हैं, रेयरली लिखते हैं वी ओमेगा. या तो हम रेडियल एक्सीलरेशन को वी स्क्वायर बाय आर लिखेंगे या हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर. जब हमें वेलोसिटी के टर्म्स में काम करना है, आगे वेलोसिटी निकालना है तो वी स्क्वायर बाय आर, मगर इधर जब मिनिमम ओमेगा निकालना है तो रेडियल एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर आर. हम कहते हैं दिस नॉर्मल रिएक्शन is equal to m into ar, or this normal reaction equal to m into omega square r, and this is the centripetal force. अब यह एक working हो गया. अब दूसरा working आप ऐसे करते हैं, यह block ग्रेविटी की वजह से, एमजी की वजह से नीचे गिर सकता था, मगर फ्रिक्शन इसे गिरने नहीं दे रहा. हेंस एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एफ आर, जो मैंने इंडिकेट कर रहा है दैट कर रखा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी. एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू एम जी. यह एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स एम जी से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यदि एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स एम जी से ज्यादा हो गया तो वो ऊपर ले जाने लगेगा, और कोई फ्रिक्शन ऊपर थोड़ी ना ले जा सकता है इसको. और यह एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स एम जी से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि यह एम जी से कम हो गया तो एम जी की वजह से ब्लॉक नीचे गिर जाएगा. यदि ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ब्लॉक बिल्कुल अपनी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर फिक्स है, और अपनी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर सिलेंडर के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर मस्ट बी इक्वल टू एम जी, ये जरूरी है. अब हम कहते हैं किसी भी जगह पर यदि नॉर्मल रिएक्शन n हो, किसी भी जगह पर नॉर्मल रिएक्शन n हो और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो म्यू, देन मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम एफ आर मैक्स कहते हैं, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इंटू एन. इट्स ऑलवेज इक्वल टू म्यू इंटू एम की जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर आर. कहीं पर भी जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स होती है इन दोनों ब्लॉक और सिलेंडर वॉल के बीच में, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, जिसको हम एफ आर मैक्स लिखेंगे, दिस वुड बी इक्वल टू म्यू इनटू एन. एन की जगह पर हम एन की वैल्यू लिख देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, इट वुड बी म्यू इनटू एम ओमेगा स्क्वायर आर. दिस वुड बी द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर कभी भी नहीं हो सकता. अब हम कहते हैं ये जो एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता. एक्टिंग फ्रिक्शनल
फ्रिक्शनल फोर्स को मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स से कम ही होना होगा या उसके बराबर हो सकता है, वो उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अब एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर मैं एमजी लिख देता हूं, एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर एमजी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर मैं लिख देता हूं म्यू इनटू एम ओमेगा स्क्वायर आर। दोनों तरफ से एम और एम कैंसल्ड, मुझे मिनिमम ओमेगा निकालना है जो कि निकलता हुआ बिल्कुल साफ दिख रहा है, जी अपॉन म्यू आर। ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस और ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय म्यू आर। और आई विल से मिनिमम ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी बाय म्यू आर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर दैट व्हिच द ब्लॉक वुड नेवर फॉल एंड दिस इज द मेथड, दिस इज द वे विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से इक्वेशंस लिखेंगे और फाइनली इस तरह से हम आंसर देंगे। बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि अब दोबारा इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और दोबारा जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में इसी सिचुएशन को एनालाइज करके दिखाऊंगा कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम कैसे देखेंगे, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैसे इक्वेशंस को लिखेंगे। सबसे पहले इसी को नोट डाउन कीजिए, इसी को बड़े ध्यान से समझिए। Now, let's learn analyzing the same problem in non-inertial reference frame of circular motion itself. In non-inertial reference frame. अब इसी सिचुएशन को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, ऑफ सर्कुलर मोशन इटसेल्फ, सर्कुलर मोशन इटसेल्फ, मतलब कोई वह ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे जो स्वयं सिलेंडर के साथ ही, सिलेंडर के साथ साथ घूम रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो इस सिचुएशन को कैसे देखेगा, कैसे बनाएगा। यह ब्लॉक है, वंस अगेन वह क्या कहेगा कि भाई एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना ही चाहिए और उस ब्लॉक को गिरने से प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगना ही चाहिए। जब ब्लॉक नीचे गिरना चाहेगा तो इसको गिरने से रोकने वाला फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा। अब वह क्या कहेगा, ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, फर्क किस जगह पर है, ये कहेगा दिस पार्टिकल which is executing circular motion, there must be some force in radially outward direction, we'll call it centrifugal force, in fact it's a pseudo force. वहां radially outward direction में centrifugal force बना देगा m omega square r। M is the mass of this block and omega square r is its acceleration.
जो ऑब्जर्वर है उसी का एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर रेडियली. इधर यदि कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जो इसको देख रहा है, तो वह जो स्वयं रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है वह अपोजिट टू इट्स एक्सीलरेशन मींस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, और वह फोर्स मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू दिस एक्सीलरेशन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर आर. दिस फोर्स एफ इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इट्स इन फैक्ट अ स्यूडो फोर्स. रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और इस स्यूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इस स्यूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन. अब इस केस में देखिए, हमने पार्टिकल का कोई एक्सीलरेशन नहीं दिखाया है. पिछला फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया वो देखिए, वहां हमने रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिखाया, मगर यहां हमने कोई एक्सीलरेशन नहीं दिखाया, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में यह ब्लॉक तो स्टेशनरी ही रहेगा, मगर इसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर बनाया है. और अब हम कहेंगे कि यह जो रेडियली इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस मस्ट बी इक्वल टू रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में यह जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड this frictional force must be equal to mg. आगे कंसेप्ट बिल्कुल वैसा का वैसे ही, आगे के कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं, वो तो फ्रिक्शन का कंसेप्ट है कि मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स कहीं पर भी, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स कहीं पर भी दो कॉन्टैक्ट के बीच में जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा म्यू इंटू एन होता है. इस केस में म्यू इंटू दिस इज एफ आर मैक्स, और इस केस में वह हो गया म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर. ये एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, ये सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट नहीं है, ये कोई इनर्शियल या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का कोई कंसेप्ट नहीं है. दिस इज अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. एम ओमेगा स्क्वायर हटा दूं, जैसे दिस इज अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम एफ आर मैक्स लिखते हैं, इट्स ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू एन, और इधर एन की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आ रहे, इसलिए म्यू इनटू एम ओमेगा. अब यह भी एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है कि जो एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है इट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन. ये भी एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, इसका भी इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, सर्कुलर मोशन से कोई मतलब नहीं है.
इनर्शियल या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से भी कोई मतलब नहीं है. दिस इज ऑल्सो अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट. This is also a generalized concept. Which is always applicable, which always hold. किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी यह बात हमेशा लिखी जा सकती. फिर हम इस प्रॉब्लम की सिचुएशन को लिखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स की जगह तो हम mg लिख दें, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स की जगह न्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर. और फिर इसके बाद में जो हमें चाहिए उसके लिए हम सॉल्व करें. हमें मिनिमम ओमेगा चाहिए तो मिनिमम ओमेगा के लिए सॉल्व बड़ी आसानी से करा जा सकता है, क्योंकि ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सर्टन वैल्यू दिखने लगी है, मतलब ओमेगा को उससे ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता. उसके बाद मैं एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन कराता हूं, द सिचुएशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. द सिचुएशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अब इसमें मैं दो सिचुएशन बताता हूं. एक तो दिस पॉइंट ओ इस पॉइंट ओ से बंधी हुई, दिस इज अ लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल. Light rigid rod of length L. सबसे पहले what do you mean by a light? Light rod. Light शब्द का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये काफी हल्की है, इसका कोई खास मास नहीं है. यू मे ट्रीट इट एज मासलेस रॉड. इस लाइट वर्ड का मतलब है कि काफी हल्की रॉड है, इसका कोई खास मास नहीं है, एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज अ मासलेस रॉड. व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड रॉड? रिजिड मींस इट डज नॉट एलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट. यू मे अप्लाई एनी अमाउंट ऑफ फोर्स बट दिस रॉड वुड नाइदर गेट कंप्रेस्ड नॉर इट वुड गेट एलोंगेटेड. जैसे हम किसी चीज को खींचते हैं, दिस ऑब्जेक्ट, मैं इसके दोनों तरफ से फोर्स लगाता हूं इस तरह से, और देखिए ये दब गया, ये कंप्रेस हो गया. इसे हम रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी. डिफॉर्मेबल बॉडी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फोर्स के लगाने पर यह डिफॉर्म हो गई. ऑन द अदर हैंड दिस चौक, यह चौक, इस चौक पर मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, इसको दबा रहा हूं, मगर यह दब नहीं रहा, यह डिफॉर्म नहीं हो रहा. या तो मैं इसे कहूंगा नॉन डिफॉर्मेबल, या फिर मैं इसे कहूंगा रिजिड. एक पतली सी स्टील की रॉड ले लें, that
should be very light, उसको मास्टर्स होना चाहिए, उसमें फोर्स लगाने पर ना तो एक्सटेंड होती है ना कंप्रेस होती है, ऐसी रॉड को हम रिजिड रॉड कहते हैं, द लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल। पॉइंट ओ पर फिक्स है और इसके दूसरे एंड से एक पॉइंट मास एम बंधा हुआ है, फिक्स्ड एट ओ एंड, मास एम एट अदर एंड, इसके दूसरे एंड पर मास एम। नाउ दिस रॉड start rotating in vertical direction with in vertical plane with angular velocity omega. It's rotating in vertical plane with angular velocity omega. I'll say with constant angular velocity omega. With constant angular velocity omega. Constant angular velocity omega. Now, my question is, तो मैं पूछना चाहता हूं, वॉट इज द टेंशन और कंप्रेशन एट इट लोएस्ट एंड द टॉप मोस्ट पॉइंट, टेल मी द कंप्रेसिव फोर्स और द एलोंगेटिव फोर्स, टेल मी द फोर्स इन द रॉड, कंप्रेसिव और एलोंगेटिव फोर्स ऑन द रॉड और द टेंशन इन द रॉड, tension in the rod at its bottom and its topmost point. Bottom point par or topmost point par? इस रॉड में कंप्रेशन और एलोंगेशन जो भी कुछ है वह बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, उसकी वैल्यू बताना है। अब देखिए सबसे पहली बात, सिंस इट्स अ लाइट रिजिड रॉड, रिजिड रॉड इसलिए इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जा सकता है, इसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाने में कोई समस्या नहीं है। जैसे ये एक लाइट रिजिड रॉड और मैं इसको बड़ी आसानी से ऐसे ऐसे घुमा सकता हूं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घुमा सकता हूं। आई कैन ऑलवेज डिजाइन अ मैकेनिज्म जिससे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा, लाइट इजी डॉट ऐसे घूम सकता है। क्या आप अपने आसपास ऐसी रिजिड रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कहीं कोई घूमती हुई देख सकते हैं? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कोई रिजिड रॉड घूम रही हो अपने आसपास, एनी एग्जांपल, जो दीवार घड़ी लगी है, जो वॉल क्लॉक है वो एग्जांपल है, वॉल क्लॉक में मिनट हैंड एस वेल एस
the R hand, hand as well as the second hand. वो तीनों ही rigid rod है, वो rigid rod है, वो deform नहीं होते. और घड़ी में वह constant angular velocity omega से घूमते रहते. घड़ी के पीछे कोई mechanism है जो उसको constant angular velocity omega से घुमाता है. मिनट का जो काटा है वो भी फिक्स एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, सेकेंड का काटा भी. और हमने कहा कि वो लाइट रॉड है और उससे इस तरह का कोई मास बना हुआ है. अब इस केस में इस रॉड पर किस तरह का कैसा टेंशन आएगा? अब मैं कहता हूं इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इट रियली लुक्स वेरी इजी टू ट्रीट and solve this problem in non-inertial reference. Generally, जब आप problems करेंगे ना, तो problems करते करते आपको ऐसा लगेगा कि non-inertial reference frame में problem को देखना, उसको visualize करना, उसको solve करना relatively आपको easy लगेगा. उसको आप बड़ी आसानी से visualize भी कर पाओगे. Although, जैसा मैंने बताया है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता inertial या non-inertial reference frame change कर देने से. हल्का सा फ्री बॉडी डायग्राम में ही फर्क पड़ता है, इक्वेशन लिखने के तरीके में ही फर्क पड़ता है, फाइनल रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. अब इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दो तीन मिनट पहले आप सोचिए, फिर समझाता हूं. लाइट रिजिड रॉड लेंथ एल, मतलब रेडियस आप एल ले लोगे, पॉइंट ऑफ परफेक्शन के अबाउट ऐसे घुमाया जा रहा है, इसके दूसरे एंड से मास एम बंधा हुआ है, इट्स रोटेटिंग इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. और मैंने पूछा है टेंशन इन द रॉड एट इट्स बॉटम एंड एट इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट.